गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू निक श्री व्लॉग्स। मोटू घर पे आ गया था आज अपने आप ही, क्योंकि मैं फोन गलती से रात को साइलेंट पे करके सो गया था, जिस वजह से मैं उठ ही नहीं पाया। मेरे को पता ही नहीं लगा यार सुबह फोन बज रहा है या क्या टाइम हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मोटू ने आके मेरे को उठाया, तो मम्मी ने घर पे कुछ बनाया नहीं था खाने का, क्योंकि मम्मी सुबह से काम में लगी हुई है। तो आज खाने का कुछ ऐसा हिसाब किताब है कि खाना अभी तक बना नहीं है। अब मोटू को बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि मोटू को पीरियड्स भी हो रहे हैं। तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ मोटू के लिए खाने का कुछ बनाऊँ। मोटू से कुछ भी पूछ रहा हूँ तो मोटू मना कर रहा है, नहीं मेरे को खाने का कुछ मन नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। थोड़े से मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं और मोटू को गुस्सा भी आ रहा है। एडिटिंग भी करा था मोटू, तो अब तो मोटू लेटा हुआ है थोड़ी देर। तो मैं जा रहा हूँ जल्दी से पास्ता बनाने की सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि मोटू को पास्ता काफ़ी पसंद है। और मैं लेके आऊँगा आप खरीद के मशरूम, शायद पनीर थोड़ा सा, और फिर जल्दी से मैं पास्ता वगैरह बना के मोटू को बना के खिलाता हूँ। और फिर मोटू के रिएक्शन देखते हैं, थोड़ा सा क्या पता मोटू शांत हो जाए। A few minutes later. मैं जस्ट अभी सारा सामान खरीद के घर पे आ चुका हूँ, जैसे कि बेबी कॉर्न, मशरूम, मैगी मसाला, अमूल की टिक्की बटर की, और ये है पास्ता। तो सारा सामान मैं लेके आ गया हूँ, अब जल्दी से बनाना स्टार्ट करता हूँ वरना मैं लेट हो जाऊँगा बहुत ज़्यादा। मैंने बिल्कुल स्क्रैच से ऑथेंटिक इटालियन पास्ता सॉस प्रिपेयर कर लिया और मैं आपको दिखाता हूँ ये कितनी बड़ी। ये देखो, इसके अंदर मैंने यूज़ किया टमाटोज, अनियन और गार्लिक, और ये है हमारी सब्जियां जो मैंने थोड़ी सी रोस्ट कर ली थी लो फ्लेम पे बिल्कुल। और इसके अंदर मैंने लिया है बेबी कॉर्न्स और ये हैं मशरूम्स। और इसके अंदर मैंने ये सारी काफ़ी सॉसेस भी यूज़ किए हैं, जैसे मैक्सिकन हॉट और हरीसा सॉस, और भी तीन चार सॉसेस यूज़ किए हैं। साथ में मैंने इसके अंदर डाले हैं डोमिनोज से लाए हुए ओरिगेनोस के पैकेट। डोमिनोज के बहुत सारे पैकेट पड़े हुए थे हमारे पास। अब मैंने पास्ता उबाल रखा है, वो भी रखा हुआ है साइड में। ये रहा हमारा पास्ता। अब जल्दी से यार ये सॉस जल जाएगी, तो मैं जल्दी से पास्ता प्रिपेयर करके लेके जाता हूँ वरना लेट हो जाएगा और मोटू को भी बहुत देर से भूख लग रही होगी। गाइज लुक एट इट, कितनी बढ़िया लग रही है ये दिखने में। एक सेकेंड, परफेक्ट, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। गाइस आपको भी मैं इसकी रेसिपी बता दूंगा, आप घर पे खुद ट्राई करके देख सकते हो, ये बहुत ज़्यादा यम्मी बन रहा है, बहुत ज़्यादा। और अभी इसमें बस पास्ता और सब्जियाँ डलने वाली हैं, इसको मैं अलग से निकाल लूँगा सॉस, क्योंकि ज़्यादा बन गई है। तो सॉस को हम स्टोर करके रख सकते हैं, आप इसको बाद में भी कभी भी यूज़ कर सकते हो थोड़ा सा पानी ऐड करके। तो सब्जियाँ तो हमारी रेडी है, पास्ता भी हमारा रेडी है, लेकिन उससे पहले हमने अमेजोन से कुछ ऑर्डर कर रखा था, वो मेरे को डिलीवरी लेके आनी है नीचे जाके। वो भैया हमारे घर के नीचे ही खड़े हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रे, ये ऑटो खड़ा है, इसके अंदर अमेजोन से हमारा पार्सल आया, तो जल्दी से मैं नीचे जाता हूँ। इस पास्ता हमारा रेडी हो चुका है, अब जल्दी से चलो इसको डाल लेते हैं इन बाउल्स के अंदर छोटे छोटे, और उसके पास लेके जाते हैं। मोटू से पूछते हैं उसके रिएक्शन क्या है और कैसा उसको लगा ये पास्ता। खा के बताओ कैसा है। आई लव यू। ओले। खुशबू अच्छी है, सब्जियों के साथ खाना, सब्जियां ना इसमें बहुत सारी। कैसा लगा? कैफेज और रेस्टो से भी ज्यादा टेस्टी है। अरे मिशन सक्सेसफुल गाइस, मिशन सक्सेसफुल। ये सॉस मैंने खुद बनाई है। हाँ, सच्ची में सॉस का बहुत फर्क आता है, सच्ची में टेस्टी है ना, सॉस बहुत ज्यादा टेस्टी है, क्रीमी, बटरी, डिलीशियस। आई डोंट नो किस रेसिपी से काकू ने पास्ता बनाया है, सॉस कैसे प्रिपेयर किया, क्योंकि ऐसी कोई सॉस हमारे घर पे है नहीं। काकू बोल रहा है कि उसने खुद प्रिपेयर किया है, आपने देखी होगी रेसिपी अगर काकू ने शूट किया होगा तो, क्योंकि मैं पूरे टाइम अंदर थी। स्टमक पेन हो रहा है और बहुत बैक पेन भी हो रहा है, बैक पेन भी बहुत हो रहा है। ऐसा होता है मेरे साथ, मेरे से ना बोला भी नहीं जाता, मेरे को ना जब कुछ समझ नहीं आता पीरियड्स में, मेरे साथ ऐसा यूजुअली होता है। बट ये पास्ता बहुत टेस्टी है एंड ये बहुत गर्म है, टेस्टी, और मेरे स्टमक के लिए भी काफी अच्छा है, मेरे को अच्छा फील हो रहा है, ठंडा हो जाएगा। आपने इतना टेस्टी पास्ता बनाया, रिव्यू भी ना दूं, बहुत टेस्टी है सच्ची में। थैंक यू।
गाइस शाम के 6 बज रहे हैं एंड पूरे दिन ज़्यादा कुछ किया नहीं क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। अमेज़ॉन पे सामान देखा, वीडियो काफ़ी सारी एडिटिंग वाली थी निक्सट्री ब्लॉग्स के लिए, निक्स किचन के लिए, और भी 2 वीडियो अलग से थी तो इंस्टाग्राम के लिए, तो इसलिए ब्लॉग में भी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। सुबह यही हुआ था कि मैं आ गई, फिर अमेज़ॉन के पार्सल्स आए थे, फिर काकू को उठाया था, फिर काकू ने पास्ता बनाया था, उसके बाद फिर हम वही अमेज़ॉन से सामान वगैरह देख रहे थे। तो अब काकू बोल रहा है कि एक बार तिलक नगर मार्केट में चलते हैं, वो जो लकड़ी वगैरह का सामान है वो देखना है डेकोरेशन का, क्योंकि जो कुछ चीज़ें हमने ऑनलाइन ऑर्डर की थी वो रेडी नहीं हो पा रही। सेलर बोल रहा है कि हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है ऐसा कुछ है, तो फिर हमारा जो पहले से ऑर्डर कर रखी है वो डेट एक्सटेंड होते जा रही है हर थोड़े दिन के अंदर के एक्सटेंड हो रही है। 1-6 तारीख को आना था, वो 7 हुआ 8 हुआ, अब 11 डेट दिखा रहा है, कुछ फिक्स नहीं है वो भी आएगा नहीं आएगा। वुडन का सामान है सारा, इस वजह से गाइस बताओ क्या हम केस कर सकते हैं ऐसे कंपनीज के ऊपर जो हमारे को लेट करे जा रही है। मैं कह दूंगा कि मेरे को अमेरिका के लिए निकलना था और इस वजह से इनकी वजह से मेरी फ्लाइट भी मेरे को डिले करनी पड़ी क्योंकि पार्सल आने थे। पासपोर्ट है अभी, मैं गाइस तारों के नीचे से जा रहा था यार, हम तिलक नगर आ तो गए बट इतना महंगा सामान है यार, यहाँ पे छोटी से छोटी चीज 4-5 हज़ार रुपए की, भाई साहब कितना ज्यादा महंगा है ये एरिया। एक वॉल सेल्फ पूछी थी ओपन, वो भी क्लोज भी नहीं थी, 4-5 हज़ार की। भाई और भी तो सामान लेने हैं हमें बहुत सारा घूमने के बाद फाइनली हमें यहाँ पे वो जो भैया रख रहे हैं ना, एक कुछ काम की चीज़ मिली थी थोड़ी बहुत वॉल हैंगिंग के लिए। फिर हमने सोचा कि एक बार ही सारी जगह देख लेते हैं, जोन सा बेस्ट लगेगा, क्या पता और भी मिल जाए इस पैटर्न में तो वो ले लेंगे, तो एक बार हम देखने जा रहे हैं। अदरवाइज वहाँ जो देखा था वो भी बहुत अच्छा था, वो ले लेंगे यार। बाकी की पूरी मार्केट भी हमने देख ली, वही सेम सामान कई जगह सेम रेट में भी है, कई महंगे रेट में भी है कई जगह। और मतलब जिन अंकल पे सबसे पहले देखा था ना हमने, तो हमें लग रहा है कि वहीं पे ही सही मिलेगा। तो 8 बजने वाले हैं, हम जा रहे हैं उसी शॉप पे वापस से और वहाँ पे से जाके सामान लेके आ जाएंगे। तो होप करो जल्दी से जल्दी स्टूडियो रेडी हो जाए क्योंकि फिर हम ऑनलाइन ऑर्डर अपने जितने भी थे फिर वो कैंसिल कर देंगे। हमने ये 2 पीस लिए हैं बट वी विल नॉट शो यू राइट नाउ, बाद में दिखाएंगे, दिख गया थोड़ा सा। एंड अब डायरेक्टली घर पे जा रहे हैं, स्कूटी पे लेके जाने हैं हमें दोनों सामान, लेट्स सी कैसे लेके जाएंगे। काकू अंदर पेमेंट कर रहा है, फिर जाते हैं घर पे। गाइस जस्ट अभी हम घर पे आए हैं सामान लेके, थकान हो रही है बहुत ज़्यादा, मेरे को पेट में दर्द हो रहा है, लेट हो रहा है, 9 बजने वाले हैं। तो काकू सारा सामान उठा के लेके आया, उसने मेरे को उठान दिया कि मेरी पीरियड्स हो रही है, तबीयत खराब है। तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सी यू टाटा, बाय बाय।